बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। हर जगह तुम्हारी पहचान होनी चाहिए, हर दिल में तुम्हारे नाम की दहशत होनी चाहिए। जब तक हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो जाते, मशरूब से ज़बान को तर करके तवील गुफ्तगू के काबिल हो जाऊंगा। अब मैं जान गई हूँ कि क्या करना है। जो हुक्म मानेगा वो कालीनगाह में काम करता रहेगा, और जो बगावत करेगा उसे पकड़ के मंगोल सिपाहियों के हवाले कर दूंगी। वो एक ऐसी जगह पर है कि अर्तुरुल को देखकर पूछेगा, आप हैं कौन जनाब, उसे नहीं पहचानेगा। तुम लोग क्या जानो उस जगह के बारे में? रूहे जहां तेंगरी की गुलाम है, एक ऐसी जगह जहां मुकद्दस दरख्त फिर पैदा हो जाते हैं। जो लश्कर इन पर हमला करने के लिए तैयार किया था, अब हम अपने उस लश्कर को अर्तुरुल पे हमले के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस करते हैं बेबाला साहब। अर्तुरुल सरदार के बेटे हो, इसीलिए लिहाज कर रहा हूं गुंदुज सिपाही, लेकिन अगर तुमने हद पार की तो यही सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। जंग का वक्त आ गया है बहादुरों। उस्मान को उन बदबख्तों के चुंगल से छुड़ाने के लिए हम उस जानिब रवाना होंगे। जिस किसी ने भी बगावत की तो उसकी खाल उधेड़ दूंगा। जो कहा उस पर अमल होना चाहिए। यहाँ काम करना है तो इताअत भी करना होगी। इस वक्त मेरा पोता कहाँ है? जिंदान में। जब तक वो और आप माफी नहीं मांग लेते, वो वहीं रहेगा। वो मर जाएगा मगर तुमसे माफी नहीं मांगेगा। देख लिया ना अपने वालिदा, कल हमारी मिन्नत करने वाले बेबुलात आज ताकत मिलते ही हमें धमकाने लगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं बेटी, इस वक्त उसे रोकना बहुत मुश्किल है। आज ये मंगोलों के भरोसे पे उछल रहे हैं। अलंचक इतना गिरा हुआ है कि इस बदबख्त को ही सरदार आला बना दिया। सलजान खातून, बस इसी के हाजिर होने की कमी रह गई थी। यहां क्या कर रही हो सरमा खातून? कालीन का काम आज शाम तक मुकम्मल करने की जिम्मेदारी दी थी मैंने आपको, तो आप यहां क्या कर रही हैं? ना तो कोई पर्दा और ना ही कोई कालीन। तबरेज या बगदाद कोई कारवां नहीं जा रहा, फिर जल्दी क्यों है? बहुत जल्द एक कारवां कतर रवाना होने वाला है, क्या याद नहीं है आपको? खवातीन, ये वक्त लड़ने का नहीं है। अभी हम वैसे ही बहुत परेशान हैं, इससे बहस मत करो बेटी। हुआ क्या है आखिर, बताएंगी कुछ? तुम नहीं जानती कि क्या हुआ है? तुम्हारे भाई का ही किया धरा है सब कुछ।
सुलेमान पर सिपाहियों की मौजूदगी में तशद्दुद किया और बगैर सोचे समझे उसे जिंदान में डलवा दिया। मेरे भाई के साथ आपके बेटे ने बदतमीजी की और उसे उसकी सजा दी गई। भाई कभी भी नाफरमानी बर्दाश्त नहीं करते। अब तुम मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ वरना मैं तुम्हें अपने पैरों तले गिराकर तुम्हारा सर कुचल डालूंगी। अपना ये गुस्सा किसी और को दिखाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आइंदा किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहे। दरवाजा बंद करो। बहुत बहादुर समझती हो खुद को? तुम हो क्या? कौन क्या है तुम्हारी? रुक जाओ। कान खोल कर सुन लो शर्मा, दोबारा अगर हद पार की तो याद रखना ये मलून अलंजक तो क्या चंगेज खान भी कब्र से निकल आए तो तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकेगा। सलजान, इन्हें ले जाओ, इनके सर ऊंट की खाल से ढक दो। अब इस उकाब की बारी आ गई है, ले आओ इसे। कहां ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये मुकद्दस धुआं जब तुम्हारी सांसों में जाएगा तो तुम्हारी रूह आहिस्ता आहिस्ता हमारी गुलाम बन जाएगी। यहां नहीं रुकूंगा मैं, फरार हो जाऊंगा यहां से और बहुत जल्द तुमसे तुम्हारे हर एक जुल्म का हिसाब लूंगा मैं। तुम्हारा खाना लाया हूं, ये लो खा लो। रुको, ये क्या कर रहे हो? Oh, my God.
इसके बाल काट दो सारे। मार दूंगा, फेंक दो अपने हथियार। अगर तुम लोगों ने हथियार नहीं फेंके तो मैं इसे मार डालूंगा। सिपाही को तलवारें फेंक दो अपनी। देखो बाबा आ गए। उस्मान,
उस्मान, उस्मान, उस्मान, उस्मान, उस्मान, आंखें खोलो अपनी, उस्मान, 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 मेरे बेटे, आंखें खोलो अपनी, उस्मान देखो मैं आ गया हूँ, उस्मान, उस्मान, उस्मान बेटा आंखें खोलो अपनी, उस्मान, उस्मान, उस्मान देखो तुम्हारे बाबा आ गए, उस्मान, उस्मान आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, चलो शाबाश, मुझे जवाब दो मेरे बच्चे, भाई से सुकरान की धुनी दी गई है ताकि ये आवाज खो बैठे, इससे इंसान मरता नहीं लेकिन जहनी कैफियत बिगड़ जाती है, शायद ये हमें ना पहचान पाए। अब्दुल रहमान, हैफ की जड़ी बूटी तलाश करो, जल्दी 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 जल्दी, या अल्लाह हमारी मदद कर, भाई भाई सारे मंगोल मर चुके हैं, हमें फौरन उस्मान को किसी तबीब के पास लेकर जाना चाहिए, अगर हम यहाँ रुके तो कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं बमसी, पहले इसे उस जड़ी बूटी का पानी पिलाना होगा, हो सकता है और मंगोल भी आ जाए, उन सबको एक एक करके यही खत्म करना है। अलंजक को मालूम नहीं होना चाहिए कि इस जगह पर हमला किया है हमने, उसे यह खबर मैं खुद जाकर दूंगा। जी ठीक है भाई, ठीक है। तुमने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, कसम खाती हूं इसका बदला जरूर लूंगी मैं, तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुम्हारा दिल चीर दूंगी, सुलेमान जिंदगी भर जिंदान में रहेगा। शिकार हो तुम, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें मेरे हाथों से। बुखार बढ़ता जा रहा है इसका, अब तक पानी उबला नहीं अब्दुल रहमान, कुछ देर में उबल जाएगा। भाई क्या ये जड़ी बूटी असर दिखाएगी? इस जड़ी बूटी का पानी ही इस जहर का वाहिद इलाज है, जरूर असर दिखाएगा ये इंशाल्लाह। जहर का असर होने से पहले उस्मान होश में आ जाएगा। पानी उबल गया भाई, ले आओ जल्दी जल्दी। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ यहां?
किसने मारा इन लोगों को? ये सब मर चुके हैं, कोई भी नहीं बचा। आ जाओ, खामोशी से मेरे पीछे आओ। इन्होंने हमारे साथियों को मारा है, जान से मार दो सबको। सुलेमान, हट जाए रास्ते से इलबिल की खातून, खामोश रहे। जाओ हर तरफ तलाश करो उसे। मेरे साथ आओ, इससे पहले कि सिपाही यहां आए मेरे साथ चलो। कर रही है मेरी मदद आप? कोई नया खेल तो नहीं? भाई उस्मान, उस्मान कैसा है अब? दुआ करो कि अल्लाह शिफा दे इसे। हमने उस जड़ी बूटी का पानी पिला दिया जो इलाज था इसका, अब आगे अल्लाह की मर्जी। शुक्र है इंशाल्लाह भाई। क्या हमें यहीं रुकना होगा भाई? रात सर्द होगी, उस्मान का यहां रहना ठीक नहीं, लेकिन तुम लोग छुप कर रहना यहां, मुमकिन है मजीद मंगोल भी यहां है। उस्मान को महफूज मकाम पर ले जाता हूं मैं। जी ठीक है भाई, सुबह मुलाकात करेंगे। जी ठीक है भाई, ठीक है। चलो अब्दुल रहमान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तलवार उठा लो अब्दुल रहमान। जी भाई। मैं कोई खेल नहीं खेल रही सुलेमान, जो कुछ भी यहां हो रहा है उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये बात है हाँ, तुम्हारे गद्दार भाई ने ये खेल खेलने को कहा होगा। भाई ने गलतियां जरूर की हैं, लेकिन वो गद्दार नहीं है। उन्हें आज नहीं तो कल अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। देखो इस तरह भागना बंद करो और हथियार डाल दो सुलेमान।
वरना मेरे लिए तुम्हें भाई से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझे तुम? मैं बिला वजह नहीं भागा इल्बिलगे खातून, मकसद हासिल किए बगैर वापस जिंदा नहीं जा सकता। जरा अकल से काम लो, क्या कर लोगे तुम? आपके भाई ने जो हमारे साथ किया आपने देखा नहीं क्या? जिसने हमें खून के आंसू रुलाया, मैं उसे खून में नहला दूंगा। गुंडोगतू का बेटा सुलेमान कौन है दिखा दूंगा उसे। तुम्हें क्या लगता है इस तरह सब ठीक हो जाएगा? अलन चक को मारना अगर इसका हल होता तो अर्तुरुल सरदारों से मार चुके होते। अगर तुमने कोई गलत कदम उठाया तो अर्तुरुल सरदार का मंसूबा बर्बाद हो जाएगा। फर्ज करो अलन चक को तुमने मार दिया तो क्या मंगोल यहां से चले जाएंगे? पहले से ज्यादा जुल्म सितम करेंगे वो हम पर। अगर गुस्से में तुमने कोई गलती की तो कई मासूमों की जान के जिम्मेदार होगे। अब तो फरार हो चुका मैं, किसी सूरत हथियार नहीं डालूंगा। लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। अगर तुम वापस नहीं गए तो मुझे मजबूरन अर्तुरुल सरदार के हवाले करना होगा तुम्हें। अर्तुरुल सरदार इस वक्त कहां है ये कैसे जानती हैं आप? हमारे पास इन सब बातों का वक्त नहीं है सुलेमान, मुझ पर तुम्हें एतमाद करना ही होगा। जब तुम अर्तुरुल सरदार को देखोगे तो सब समझ जाओगे। अगर इसके पीछे कोई चाल हुई तो याद रखेगा, आपकी जान लेने में वक्त जाया नहीं करूंगा खातून, अच्छी तरह समझ लें। अब मेरी बात मानो और इस संदूक में छुप जाओ जल्दी। मैं निकल जाऊंगा यहां से। वो तुम्हें हर जगह तलाश कर रहे हैं, क्या लगता है तुम्हें इन कपड़ों में नहीं पहचान सकेंगे वो? मुझ पर भरोसा करो और इस संदूक में छुप जाओ जल्दी। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? आ जाओ मेरी बहन। वालिदा, आप जानती हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन उस नागिन सरमा के लहजे ने मुझे मजबूर कर दिया। आपने देखा था ना उसका रवैया कितना तहकीर आमेज था। हमारे बुजुर्गों ने सही कहा है बेटी, जिन लोगों में गैरत नहीं होती वो अच्छाई की मुस्तहक हरगिज नहीं। अगर आप उन पे एहसान करें तो उनसे मोहतात भी रहें। सरमा खातून की जबान बहुत लंबी है, अच्छा किया तुमने। जानती हूं जिन लोगों ने मेरा कबीला मेरा शौहर मुझसे छीना और लोगों के सामने बहादुर बनना ही था मुझे। जो नसीहत से ना समझे मार के समझाया जाता है उसे, ये तो होना ही था। फिक्र ना करो तुम बेटी, अगर तुम हक पे ना होती तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें ऐसा ना करने देती। मैं आपको ही ढूंढ रही थी बाजी, सिपाहियों ने बताया कि आप इस कमरे में हैं। तुम ठीक तो हो मेरी बहन? यूं तो बहन बहन करती हैं। सलजान खातून ने जब हमला किया आप कहां थी? उन्हें रोका क्यों नहीं आपने? अपनी छोटी बहन को अकेला छोड़ दिया, आखिर आप है किसके साथ? तुम्हारा क्या मतलब है सिरमा? मैं तुम्हारे पीछे आई तो तुमने कहा मुझे अकेला छोड़ दो और चली गई। अगर मैं दखल अंदाजी करती भी तो क्या होता? क्या हाइमा खानम की बातों का जवाब है हमारे पास? तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, सलजान खातून से उनकी इस हरकत का हिसाब जरूर लेंगे हम। उनसे तो हिसाब अब मैं खुद लूंगी, अब मैं उन्हें बताऊंगी उमरोला की खातून पर हाथ उठाने का क्या नतीजा होता है। अब वो जिंदान से फरार होने की सजा भी पाएगा। जल्द उसे सोत के वस्त में सरेआम फांसी मिलेगी। सरदार और कबीले का कोई फर्द इस औताक में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस औताक के मालिक हैं
सरदार आला बेबोलात और उमर उलार कबीले के लोग। हद में रहो अपनी। 3 दिन की मोहलत कल खत्म हो जाएगी। अर्तुरुल भाई ने अगर मुतालबा पूरा कर भी दिया तो अलंजक उनके साथ धोखेबाजी जरूर करेगा। कैसी धोखेबाजी अर्तुरुल भाई? तुम्हारे बाबा यहाँ है उस्मान, कुछ तो कहो मेरे बहादुर बेटे। सऊद पे बहुत जल्दी कब्जा कर लिया तुमने, हर तरफ तुम्हारी हुक्मरानी नजर आ रही है।